तंबाकू सेवन से कैंसर, दिल का दौरा, फेफड़ों के रोग जैसी कई जानलेवा बीमारियां होती हैं। इस फिल्म अथवा कार्यक्रम में दिखाए गए कलाकार किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जर्दा इत्यादि के सेवन का समर्थन या प्रचार नहीं करते हैं। मनुष्य के स्पंज समान फेफड़े हवा सोखने के लिए बने हैं, लेकिन कुछ लोग फेफड़ों को बीड़ी सिगरेट का धुआं सोखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक आम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों को अगर आप निचोड़ कर देखें तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का कैंसर पैदा करने वाला टार मिलेगा। इतना टार आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। हम रोज 50 नए मरीज देख रहे हैं, महीने में करीब 1000। 80-90% मुंह के कैंसर तंबाकू चबाने से होते हैं। ये मुकेश की कहानी है। मेरा नाम मुकेश है, मैंने 3 साल भूख का चबाया, अब मुझे कैंसर हुआ है, अब मेरा ऑपरेशन वाला है, शायद मैं इसके आगे बोल नहीं सकूंगा। अफसोस, मुकेश बच नहीं सका और वो सिर्फ 24 साल का था। खैनी, पान, गुटखा, पान मसाला सब जानलेवा है। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। दो नारियल पानी देना। ये तो हद हो गई, आधे पैसे का पानी पी लिया और आधे पैसे की मलाई फेंक कर चले गए। ओह शिट। एक नारियल पानी देना। ए जी, चल चल, मदद करो सेठ जी। चल 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 जा यहाँ से, चल आउट। सेठ जी, चल जा, जा। पैसे दो ना सेठ जी। देना बेटा, धन्यवाद, धन्यवाद बेटा, दीजिए ना सेठ जी। ए नारियल पानी देना। ए देखने में तो तू सेठ ही लगता है, गरीब को कुछ दे देता तो क्या बिगड़ जाता। होल्ड योरसेल्फ। इंग्लिश
अरे मार्केट में दलाली करने वालों के लिए गांव का क्लाइमेट ठीक नहीं है, चल जाए यहाँ से। यूजलेस फेलोज, ये ले पकड़। क्यों रे, नारियल पानी पीना है क्या? नहीं यार, रुक जरा, वो देख कैसे खटाखट नोट बटोर रहा है। कितना अच्छा नारियल का धंधा चल रहा है, दिन का 300 रुपया, मतलब महीने का हो गया पूरा 10,000। लगता है तेरा गणित कमजोर है, 9,000। ए, तुझे क्या पता, कभी ऊपर नीचे सब लेवल हो जाता है। हाय शंभा। हाय अंग्रेजी दोस्त, लगता है तू तो हमको भूल ही गया। आजा इधर आ, इधर आ। ऐसा कुछ नहीं यार। और बिड़ू कैसा है, कोई नया लेटेस्ट न्यूज है क्या? हम सोच रहे हैं नारियल का धंधा शुरू किया जाए। पर कैसे करें? टाटा बिजनेस मैग्नेट बहुत बड़ी हस्ती है। क्या है टाटा, कभी टिफिन कॉर्नर, कभी भजिया की गाड़ी, और आज नारियल का धंधा। तू ही बता आखिर तू करना क्या चाहता है? सब कुछ, टाटा ग्रुप साफ कंपनी, बहुत बड़ा बिजनेस मैग्नेट है। और नहीं तो क्या, चिंदी चोरों की तरह नहीं हूँ मैं, तुझसे कितनी बार बोला है मैंने, तू धंधा शुरू कर, धंधा मैं संभाल लूंगा। उसके लिए घोड़ा और मैदान दोनों लगता है। सारा देश हमारा है, इसे कौन समझाएगा। अच्छा आगे तेरा क्या इरादा? मैंने 12th पास कर लिया है, अगले महीने US जा रहा हूँ मैं। तू अंग्रेज के गुलाम, हमारे देश में पढ़े लिखों के लिए नौकरी की कोई कमी है? पहले उन्होंने आकर हमें गुलाम बनाया, अब वहाँ जाकर गुलामी करेंगे? अपने देश में रहकर नौकरी करना, वहाँ पर जाकर कोई अच्छी सी नौकरी कर लूंगा, कम से कम 50,000 सैलरी रहेगी। तू भी चल यार, तेरे में पैर पकड़ लूंगा, कुछ करना मेरे लिए। अभी तो देशभक्ति की बात कर रहा था और अचानक बदल गया। बिना पहनी का है, ये ऐसी बात करता है। अरे अपने दोस्त की मम्मी डैडी। क्या बात है अंकल, आप लोग अचानक यहाँ? बेटा हम लोग हर तरह से मजबूर हो चुके हैं, अब तुम ही हमारे लिए कुछ कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं अंकल। बेटा अगर वो पुलिस के हाथ लग गया तो उसे जान से मार देंगे। देखिए आप अपना मन छोटा मत कीजिए। हमारी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा, अगर उसे कुछ हो गया तो। आंटी आप लोग हिम्मत रखिए, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, अब उसकी जान सिर्फ तुम ही बचा सकते हो बेटा। अंकल वो मुझे जहाँ भी मिलेगा घर भेज दूंगा, आप घबराइए मत, घर जाइए। ए उसे फोन लगाया। क्या हुआ? रिंग जा रही है। हेलो महेश। अरे यार एक मिनट। हाँ निर्मल, मैं सांभा। हाँ बोल सांभा। मुझे तुमसे अर्जेंटली मिलना है। क्या हुआ यार, कोई मर गया क्या? ए मजाक नहीं है, अर्जेंटली मिलना है। अब मैं इस वक्त मीटिंग में हूँ यार। मीटिंग में? अबे सड़ेले तेरी कौन सी मीटिंग चलती है? अरे तू नाराज क्यों होता है यार, मैं 15 मिनट में तुमसे मिलता हूँ। पक्का? पक्का। क्या बोल रहा है वो? कह रहा है 15 मिनट में मिलता हूँ। अच्छा टाइम क्या हुआ? ओके तो मैं चलता हूँ। फिल्म देखने जाना था ना। ए, एक जरूरी काम है। चेन्नई एक्सप्रेस लगी है, बहुत अच्छी फिल्म है, चल। जा जाके सो जा। क्यों बे अंग्रेज, इसकी कुछ हट गई है क्या? ऐसा कुछ नहीं है यार, चल चल। देखो मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, वहाँ कोई भी बांध का काम नहीं चलेगा, ये बात समझ में आ गई? भाई पुलिस से रेटा ले आइए। देख कौन है। हेलो निर्मल। हाँ क्या बात है? क्या कहा? पुलिस वाले, माय गॉड। ए बिड़ू, अरे क्या हुआ? प्रॉब्लम है यार, चल जाके देखते हैं। प्रॉब्लम है? आ चल 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 चल। महेश जल्दी से यहाँ पहुंचो। Oh shit! ए, कहाँ है तू? मैं जूनी समीर बस्ती में हूँ, पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, तू जल्दी यहाँ पहुँच। ठीक है 2 मिनट में वहां पहुंचता हूँ, फास्ट जल्दी करो। ए वो देख, ए निर्मल भाग, राइट में मुड़ो। रुक जा, वो लोग आगे निकल गए। आजा इस तरफ, सीधे मत आना, दीवार फान। हाँ वही रुक जा, तेरे आसपास वो पुलिस वाले हैं, संभाल के आवाज मत करना। चल अब निकल वहां से। Let's go, Jack!
अंदर घुस जा, अंदर जाके छुप जा। वो लोग वहीं पर हैं, सामने मत आ। अभी वहीं छुपे रहना, सामने मत आना। हाँ चल निकल वहां से, निकल। हाँ आजा आजा, ट्रैक पर आजा। हाँ आजा, नहीं रुक जा रुक जा, पुलिस तेरे पीछे है, अंदर घुस जा। घुस जा अंदर जल्दी, घुस जा। अरे राइट में घुस जा, राइट में। ए निर्मल सुमन, ए निर्मल जल्दी 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 जल्दी। अरे वो तेरे पीछे है, बच के। पुलिस तेरे पीछे लगी हुई है, घुस जा। थैंक्स यार। बात मत कर, बात मत कर। तू कोई बड़ा नेता है या सेठ है? तू एक गोली लगते ही मर जाएगा हैं? आया है बड़ा मैदान पे कब्जा करने वाला दादा, उस पे तेरा क्या हक है हा? पुलिस से तेरी फट गई तो हमें फोन किया, क्या जरूरत थी? ए महेश, इसने हमें फोन क्यों किया? जान बचाने के लिए। तब कहाँ गई थी तेरी ये दादागिरी? ए तू चुप करना, ए तू अपना मुंह मत रख। आज तू मौत के मुंह से निकल के आ गया, क्योंकि सही वक्त पे हम लोग वहां पहुंच गए। महेश गाड़ी रोको, कहा ना गाड़ी रोक, मरना है तो जा। चलो भाई, ये तुरई कैसी थी? क्यों, बोर्ड नहीं देखे क्या? हाँ हाँ, कुछ कम ज्यादा नहीं हो सकता क्या भाई साहब? 10 रुपए किलो का बोर्ड लगा रखा है। कल 20 रुपए का बोर्ड था, आज 10 रुपए का क्यों है? शेयर बाजार भाव, शेयर बाजार। हाँ ठीक है, बाजार में क्या भाव चलता कुछ समझ नहीं आता है। आपको क्या चाहिए साहब? जरा 3 रुपए का धनिया देना। एक मिनट देता हूँ साहब। भाई साहब, ओ भाई साहब, अपना 2 रुपया तो लेके जाओ। अरे भाई साहब, कैसे कैसे ग्राहक चले आते हैं, 2 रुपया तक लेके नहीं जाते। भाई साहब और क्या लेना है? वो 2 रुपए मिला के 8 रुपए ले लो ना। तुमको छोटे बच्चे हो क्या? सड़क पर बच्चों जैसी हरकत कर रहे हो, चलो जाओ। पायलट कहीं का बेवकूफ। अरे अरे बाप रे, तेरी आज मर गया, कोई बचाओ। हाय एवरीवन, हेलो। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है? आप देखते हैं? अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ जी, बहुत आप अच्छा देखते हैं? हम लोग हर रोज देखते हैं। आपको कैसा लगता है? हाँ ये हमारा फेवरेट शो है। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। नहीं, आपके शो की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। हाँ कहना है। आपको कैसा लगता है? और आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ मैडम जरूर। आपको बस पुरुष और महिला दोनों मिलकर साथ आगे बढ़े। ओके, हमारा देश एक सुपर पावर बनने जा रहा है, उसके लिए हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं। वो दिन कब आएगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा भारत महान, ये बात बस सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन जिस दिन बेरोजगारी और भूखमरी खत्म होगी तब ये शब्द सुनने में अच्छा लगेगा, और इसलिए पहले भ्रष्ट नेताओं को हटाना पड़ेगा। तू टीवी देख रहा है, यहाँ गरीब भूखा मर रहा, कैसा आदमी है? अच्छी तरक्की कर रहा है, इस बारे में आपकी क्या राय है? ये सारी बातें आप भी जानती हैं। ये सवाल आपको हमारे गवर्नमेंट या फिर प्लानिंग कमीशन से पूछना चाहिए। वो सब अपना काम अपनी तरीके से कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? एक्सपोर्ट रेगुलरली ही चलना चाहिए। हमारे देश के हर प्रोडक्ट का विदेशों में बहुत ही अच्छा डिमांड है। हर देश के डिमांड के मुताबिक समय पर उन्हें माल पहुँचाना चाहिए। जैसे जापान है, जापान कितना छोटा देश है, इंडिया के आंध्र प्रदेश के बराबर, लेकिन फिर भी रिच कंट्री है। क्या हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते, करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर जापान को लीजिए, हमारे यहाँ जो टेप रिकॉर्डर मिलता है सोनी, टीवी मिल रहा है सैमसुई, सैमसंग। रोड पे गाड़ी या बाइक को देखिए, यामाहा, हीरो होंडा, मारुति सुजुकी कार, डेवलपमेंट उसको कहते हैं।
जापान वाले अपनी टेक्नोलॉजी के बदौलत हमारे घर में झाड़ू मारकर सब कुछ बटोर कर ले जाते हैं, और हमारे देश में कोई दिमाग वाले नहीं क्या हैं? जैसे विदेश में हैं। अमेरिका में 30% कंप्यूटर प्रोफेशनल्स लोग इंडियंस ही हैं। यहीं पैदा होते हैं, यहीं सब कुछ सीखते हैं और पैसा कमाने के लिए वहाँ चले जाते हैं। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। आपका मतलब है कि यह गलत है, इसका कोई सलूशन है? सलूशन क्यों नहीं है बेटी, सलूशन है। हमारे देश को पहले नेताओं से बचाना होगा। पढ़े लिखे लोगों को अच्छा काम मिलना चाहिए, जैसे आप मीडिया वाले अच्छा काम करते हो, अपना घर परिवार ठीक से चलाते हो, आपके काम के हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। उसी तरह और भी पढ़े लिखे लोगों को अच्छा काम मिले तो अपना फर्ज ठीक से निभाएंगे, डेवलपमेंट क्यों नहीं होगा? नहीं सर, आपने बिल्कुल सही कहा। आपकी क्या राय है? अरे अपुन की भी तो राय ले लो। आपका नाम? मोहम्मद इकबाल। अपनी राय बताइए। देखिए मैम साहब, हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? जनसंख्या की समस्या। जिधर देखो परेशानी, जिधर देखो पब्लिक, जिधर देखो लफड़े। और कुछ काम है कि नहीं है? एक से दो बच्चे होने के बाद ऑपरेशन करवा लेने का, सारी समस्याएं खत्म। वेरी गुड, बहुत अच्छा कहा। लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे तो लगता है कि शुरुआत आपसे ही होनी चाहिए। ये रहा आपका गिफ्ट। हाय मधु, सॉरी बहुत देर से वेट कर रही हो। कहाँ था ना मंदिर जाना है, लेट क्यों आए? वो क्या है कि टीवी में तुम्हारा प्रोग्राम चल रहा था, उसे देखकर आने में देर हो गई। कोई बात नहीं, चलो चलते। मैं मंदिर होकर आई हूँ। ओहो, तो मेरे बिना ही तुम हो आई। क्या करती महाप्रभु, आपका वेट करते करते बहुत लेट हो गई। मुझे पिक करने गाड़ी आ रही है, स्टूडियो पहुँचना है। बातें बाद में करेंगे, पहले चुपचाप चलो। अब ये क्या बात हुई, तुम मुझसे रोज मिलते हो, बातें करते हो, फिर भी उदास उदास रहते हो। टीवी पे नहीं देखती प्यार में, तो ऐसा होता ही है। Come on. अरे एक बात है मधु, न जाने कितने लोग दुनिया में तुम्हारी फिल्में देखने के बाद तुम्हारे दीवाने हो गए हैं। वैसे एक बात है, पर्दे पर हीरोइन मेकअप करके बहुत सुंदर दिखती है, ओरिजिनल इतनी नहीं होती। Thanks. और सच कहूँ तुम भी उनसे कुछ अलग नहीं हो। यानी मैं तुम्हारी नजर में इतनी बुरी हूँ क्या? रुको रुको। केवरे भाई, आंख रहते अंधे की तरह चलता है, मरेगा क्या? चल जाए यहाँ से, जा। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले जाते हैं जान कमाने के लिए। पता नहीं अब कितना भी मिलनी चाहिए, नहीं तो घर तो होगा क्या? नहीं पता नहीं, इतनी बड़ी लाइन लगी, लाइन आगे नहीं बढ़ रही। हाथ भाई जरा साइड पे खड़े रहो, धक्का मत दो। यहाँ क्यों बेटो, सांबा के इंतजार में हमने लाइन लगाई है, और ये लाइन खत्म होगी तब वो आएगा क्या? तो ऐसे सिगरेट क्यों पी रहा है? उससे अच्छा पैसा बचा कर छोटा मोटा धंधा शुरू कर, मैं हूं ना संभालने के लिए, दोनों मिलकर पैसा कमाएंगे। चुप रे, अबे मैं अपनी जिंदगी को धुएं में उड़ा रहा हूँ, तुझे इससे क्या? अबे गुस्सा मत कर, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, शांत हो जा। मैंने तेरे भले के लिए कहा और तू इतना बुरा मान गया यार। हट। अरे 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 अरे, इतनी लंबी लाइन, हाँ पब्लिक को कोई काम नहीं है क्या? शादी करना, बच्चे पैदा करना, शादी करना, बच्चे पैदा करना, बड़े होकर लाइन लगाएंगे, है कि नहीं भाई? सही कह रहे हो। चलना आगे देखना, पीछे देख रहा है बार बार। अरे बेड़ो, अब तो गन्ने का जूस बेचने का सोच रहा है। अबे मैं उसका हिसाब जोड़ रहा हूँ, एक घंटे में कितने ग्लास बिकते हैं? एक ग्लास एक रुपया छूटा तो घंटे का 120 रुपया, मतलब दिन में 1500 का धंधा, यानी महीने में 22,000 की बचत। अरे वाह वाह, ये धंधा तो कमाल का है। कमाल का है ना? अबे कलेक्टर को भी इतनी पगार नहीं मिलती है। अरे बिड्डू, तू जो फालतू में पैसे कमाता है मुझे देना, मैं कोई छोटा मोटा धंधा शुरू कर देता हूँ। ये देख शामा महाराज भी आ गए। क्या बात है शामा, तू इतना लेट हो गया? सबको जल्दी आने के लिए बोलने वाला, आज खुद लेट हो गया। लाइन से बाहर, लाइन से बाहर। अबे चुप कर, कुछ प्रॉब्लम है क्या? ये मेरे साथ है, तेरे को क्या करने का? ए छोड़ना, ए उसको क्या समझाना रे? क्या गलत कह दिया, लफड़ा मिटाने के लिए मैनेज करना होता है। चल छोड़ जाने दे। ये देख अंग्रेज भी आ गया। हाय हाय हाय। अरे अंग्रेज चल लाइन में लग गया। हाय, अभी आया तू? ए सुन, तू क्या एक नंबर करने गया था? अबे दो नंबर लगी थी, तुझे भी जाना है तो जा एप्लीकेशन दे के आ जा। हम लोग कब से यहाँ आकर लाइन में खड़े हैं, चल जाना अपना काम कर, चल। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बहुत अच्छी किताब है। थैंक यू। प्यार को डेवलप करने की जगह देश को डेवलप करने की बुक पढ़ने लग गया। एक बात बोलूं, तू क्या चीज है ना, मेरे अब तक समझ में नहीं आ रहा है। कम ऑन इंडिया प्रोग्राम तुमने देखा क्या? हाँ देखा यार। मिडनाइट का प्रोग्राम तूने दिन में कैसे देख लिया यार? क्यों, तुम नहीं देखते क्या? अरे मेरी पसंद कुछ और है। एंकर क्या बोलती है? अरे क्या नाम है उसका? ए मधुमति। अरे हाँ मधुमति, बहुत खतरनाक चीज है यार, उसकी मुस्कुराहट देखते ही जान अटक अटक के निकलने लगती है। हाँ यार, गजब की मुस्कान, एक बार कोई उसे देखे तो भूल ही नहीं सकता। ए महेश, तेरे वीजा का क्या हो? ए, बीच में विलन क्यों बन रहा है, मुझे बात करने देना। हाँ चल तू बता क्या बोल रहा था तू। अरे
परसों वाले प्रोग्राम में साड़ी पहनकर आई थी यार, बहुत अच्छी खूबसूरत लग रही थी यार। अरे मेरी तो जान ही निकल जाती, मैं देखता ना तो मर ही जाता समझ ले। क्यों? इतनी खूबसूरत है वो? अरे यार कोई उसे एक बार देख ले तो फ्लैट हो जाए। हाँ यार, वो लड़की है या कयामत, उस लड़की को एक बार देखा तो बार बार देखने की तमन्ना होती है। मरते दम तक ये ख्वाहिश मैं छोड़ूंगा नहीं। अब देखते हैं उससे मिलना अपनी किस्मत में है या नहीं। क्या रे, तेरी बकवास पूरी हुई कि नहीं? मेरी बकवास से तुझे क्या लेने देना। सुन, कम ऑन इंडिया प्रोग्राम का कैसेट मार्केट में कहीं मिल सकता है क्या? उस प्रोग्राम से हमको क्या करना है, हमें तो लड़की से लेना देना है। बकवास बंद कर, ऐसे नालायक लोग ऐसे प्रोग्राम के बारे में क्या जाने? वो बेचारी इंडिया की तरक्की की बात करती है और ये लोग उसके पीछे पड़े, इंसानियत नहीं जानते क्या? शुक्रिया भाई साहब, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, वो लड़की तेरी कुछ लगती है? क्यों उससे शादी करेगा? बकवास बंद कर। मैं क्यों बंद करूं? हां अगर वो लड़की सचमुच की तेरे सामने आ गई तो उसे गले लगा कर तो चुम्मा लेगा क्या? ए पागलों जैसी बात मत कर। शाबा नहीं यार, देख लेना कह दिया तो क्या हुआ, तुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? बोल रहा है चमचा है इसका? हां हूं क्या कर लेगा? चुप, दिमाग की मां बहन कर दी पूरे। अबे चुप बैठो ना, सामने माल दे। अरे क्या खतरनाक छोकरियां हैं वो, रुक जा मैं आ रहा हूं। यही तेरी पसंद है क्या भाई? चिकनी 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 देख दे आइटम चिकनी, दिल ये मारे सिटी और बन जाए अपनी। लाइक डिस्को चुम चुम, लाइक डिस्को चुम चुम, लाइक डिस्को चुम चुम, लाइक डिस्को चुम चुम। चिकनी 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 देख दे आइटम चिकनी, दिल ये मारे सिटी और बन जाए अपनी। लाइक डिस्को चुम चुम, लाइक डिस्को चुम चुम, लाइक डिस्को चुम चुम, लाइक डिस्को। यार क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? अमेरिका जाएंगे क्यों, अरे नौकरी के ही वास्ते। अमेरिका जाएंगे क्यों, अरे नौकरी के ही वास्ते। वीजा लेने में क्यों, फिर मोटी रकम हम देते। हो जाए पपलू, मौजी मौज हो जाए जब,
कमऑन इंडिया प्रोग्राम आप देखती हैं क्या? हाँ बेटा। अच्छा, थैंक यू। कमऑन इंडिया प्रोग्राम आप देखती हैं क्या? हाँ देखती हूँ। अच्छा, थैंक यू। थैंक यू। आपका नाम क्या है? कावेरी। आप क्या करती हैं? डॉक्टर। ओह, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कमऑन इंडिया प्रोग्राम आप देखती हैं क्या? हाँ बेटा। अच्छा, या हेलो सर, आई एम सांबा। मणि सर ने फोन किया था ना? ओ, तो वो आप ही हैं? हाँ, ये वही कैसेट है जी। थैंक यू, ये एडवांस रख लीजिए। ओके, बाकी 5000 कैसे लेते समय दूंगा। ओके, इट्स ऑलराइट। ओके, बाय। बाय। क्या यार इतना लेट? मैं एक अर्जेंट काम से गया था। हाँ, मैं समझ गया। क्यों बे? सिगरेट के लिए पैसे नहीं है इसलिए ये बीड़ी लेके आ गया, दम लगा। क्या बात है भाई, आज बड़े बदले बदले से लग रहे हो। बात क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड मिल गई हो? Come on, speak out, man. 5000 में मामला पट गया क्या? ए, शामा, बोला शामा, ए, टाटा। अबे इसे क्या हो गया? कोई शक नहीं, जरूर कोई लड़की का चक्कर है। इस गधे से कौन प्यार करेगा? चेहरा देखा क्या उसका? लगता है मामला गंभीर है, चलो चल के पता लगाते। क्या भाई, सच में प्यार हो गया? क्यों बे, तू उसके किस अदा पे फिदा हो गया? तू अपने आप को ऋतिक रोशन समझता है क्या? अबे पहले उसके लायक पर्सनालिटी तो बना। ए, चुप करना। देख, प्यार करना गुनाह नहीं है, लेकिन तू उससे प्यार करता है ये गुनाह है। सपने से बाहर आ, सच ये बताएगा। यार तुम दोनों एक दूसरे को कब से जानते हो? क्या हुआ, कुछ तो बता। नहीं जानता। और प्यार हो गया? अबे अंग्रेज, तेरा दिमाग खराब है क्या? ये टीवी में देखकर उसे प्यार कर बैठा है, उस दिन कैसेट में देखा नहीं क्या? अबे इस बात में कोई सच्चाई है क्या? नहीं है। क्या? अब भी ट्यूबलाइट जली, तेरी प्रॉब्लम मैं समझ गया। यार तू चुप रह, पता है ना वो लड़की कितनी मशहूर है? उस लड़की को मिलने के लिए लाखों लोग लाइन में खड़े होंगे, समझे? सिर्फ इतना ही नहीं, वो हाईली क्वालिफाइड है। तेरी सूरत देखकर मुझे तरस आता है यार, आखिर तू चाहता क्या है बता? इसकी फिक्र हम चारों को नहीं, सिर्फ हम तीनों को है, only three। इसके प्यार के चक्कर को हमें चलाना पड़ेगा। अब प्यार में उस लड़की का नाम खुदवाना, मजनू बनकर भटकना, फिनिश। ए, बकवास मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। इस दुनिया में जो कुछ भी होता है ना, वो अद्भुत तरीके से ही होता है, और होने के बाद ही हमें पता चलता है। ये भी इसी तरह का है, वो मिल गई तो मेरी जिंदगी समझो संवर जाएगी, वरना यादों में कट जाएगी। ये सब मैंने इसीलिए किया है, उसकी यादें जिंदा रखने के लिए कैसेट बनवाई है। इसके अलावा वो मेरे सिवा किसी से प्यार नहीं कर सकते, और ना ही मैं उसे भूल सकता हूँ। वो मेरा सपना है यार। अगर सच में प्यार हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉर्मल लाइफ, हमेशा की तरह हंसता खेलता रहूंगा और नौकरी की तलाश करता रहूंगा। ये मान लो कि मेरी किस्मत में उसके साथ शादी करना लिखा हुआ है, इट्स ओके, हैप्पी मैरिज। ओके, तू सच कह रहा है ना? यस।
मुझे यकीन नहीं हो रहा है। प्रॉमिस यार। मुझे चिमटी काट। वापस काट। गुड शॉट। चल दे। ए, चल जा तू फील्डिंग कर। मैं यहाँ पे संभालता हूँ फील्डिंग कर। लाना फील्डिंग कर तू। खेल जाना। अरे खेलने दो ना अंकल। अरे अरे जाना फील्डिंग कर। मैं बैटिंग करूँगा तू फील्डिंग कर जा। कम ऑन यस। अबे क्या तू गजकरण की तरह खुजली कर रहा है? बॉल डालना। ये देख एक ही बॉल में आउट। पर आउट नहीं हुआ तो देखता जा पता चलेगा। एक बात बता घिसने के लिए तू इतना तकलीफ क्यों उठा रहा है? मैच फिक्सिंग के लिए तूने पैसे लिए हैं क्या? ये चल ले। या। अब मैं समझ गया मैच फिक्स हुआ है। कितने में हुआ बे? फिक्स हुआ था ना कि जो आउट होगा वही फील्डिंग करेगा। सिद्धू चल बे सरदार। अरे सांबा तू तो शरीफ लग रहा था, ऐसा गलत काम क्यों किया? नीचे से ऊपर तक सही सलामत है ना? चेहरे से पता नहीं चल रहा क्या, पहले से ज्यादा ग्लैमर आ गया। चल आ यार। लाओ इधर तो। लो खाओ। सूरत लड़की है यार। यार निर्मल लगता है शायद इस जन्म में तो मैं कुंवारा ही मरने वाला हूँ, कोई लड़की नहीं मिलती है मुझे। क्या डायलॉग मारा है ना मैंने सांबा। चल तू हंसा तो सही, कम से कम इतना तो मेरा डायलॉग अच्छा लगा। यार। अरे मधुमती हमारा दोस्त तेरे पीछे पागल हो गया रे। अबे ए टाइम क्या हुआ यार? क्या टाइम पूछ रहा है, कैसे देखना है तुझे? अरे नहीं यार उसका प्रोग्राम आने वाला है, वो देखने जाना है। अरे वाह। अच्छा तो मैं चलता हूँ, प्रोग्राम खत्म होने के बाद फिर आ जाऊंगा। ओके ठीक है। बाय यार। बाय बाय। ओके बाय। अरे टाटा किधर गया? ये सब टिप्स है क्या? हाँ जी सर। रोज कितना कमा लेता है? 1000-2000 जैसे कस्टमर वैसी टिप। दिन का 1000 मतलब 30,000 महीना, 2 महीने का 60, 3 महीने का 90, 4 महीने का 120,000, इतना सारा पैसा। बाप रे। तू अकाउंट में बहुत पुअर है। 1,20,000। दोनों एक ही बात है भाई, तेरे पास कोई नौकरी है क्या? तेरे पैर पड़ता हूँ, अपनी नौकरी मुझे दे दे। ए चल ना। अरे अरे भाई अरे सुन। रुक रुक रुक। चल यहाँ से। चुपचाप चल। एमडी साहब थोड़ा लेट आएंगे, वेट कीजिए। एक्सक्यूज मी टाइम प्लीज। ओ थैंक यू। हेलो। हेलो जेमिनी जी हैं? क्या काम है? कम ऑन इंडिया प्रोग्राम कितने बजे शुरू होगा? शुरू हो चुका है। आज का प्रोग्राम हम यहीं खत्म करते हैं। बाय बाय। कैसे जाकर मिलूं? ओके हेलो। हेलो आई एम सांभा सनाप शिवराम, मैं आपका फैन हूं। ओके मैं आपका प्रोग्राम देखना कभी नहीं भूलता हूं। आपने अपना नाम क्या बताया? सांभा शिवराम। हाँ वही यस। मुझे रेगुलर चिट्ठी लिखने वाले आप ही हैं क्या? हाँ जी। कम ऑन इंडिया प्रोग्राम के बारे में आपकी राय क्या है ये मैं जानना चाहती थी। इतना ही नहीं, मेरे बर्थडे पर आपने केक भी भिजवाया था, मुझे अच्छा लगा, ऐसा अक्सर होता है ना। I'm shocked. कोई किसी की इतनी भी इज्जत कर सकता है? वो सब मैंने इसलिए किया ताकि मैं आपके थोड़ा सा करीब आ सकूं, इसलिए ऐसा किया। किसी की इज्जत करने का मतलब ये नहीं कि उससे प्यार हो जाए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप प्यार के बारे में जानते ही नहीं। प्यार जान लेता नहीं है, जान देता है। आपने चिट्ठी में लिखा था कि आप जान दे देंगे, आपको क्या लगता है कि ऐसी धमकी से मैं आपसे प्यार करूंगी? हम एक दूसरे को सिर्फ चिट्ठी के जरिए जानते हैं, ये हमारी पहली मुलाकात है। आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर मैं आपसे प्यार कर बैठूंगी? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं। हमेशा अपनी हद में रहिए, समझे आप?
प्यार जहर के प्याले से कम नहीं है। आया है राजा लोगो है लोगो, राजा के संग संग झूमलो झूमलो, हेरो कमाल हेरो यारो। रुक, तू क्यों नाच रहा है? अपने आप से पूछ, तू नाच रहा था इसलिए मैं नाच रहा हूँ। अबे मैंने तो 10,000 रुपए लगाए थे, वो जीत गया इसलिए नाच अच्छा? रहा हूँ। हाँ और क्या है, लो खाओ। अबे रुकना, अबे सड़ेला समोसा हम लोग को खाने के लिए लाया क्या? अरे नौकरी मिलने के बाद सैलरी मिलेगी तो बड़ी पार्टी दूंगा ना यार, समझा कर। तुझे खुशी भी बतानी होगी और पार्टी भी देनी होगी, मैं तेरी जान ले लूंगा। ओके एक और ला। तू अकेला ही खाएगा क्या? ये ले तू खा ले। तू नहीं खाएगा? इसमें स्मेल आ रहा है यार। तुझे क्या हर चीज ताजी चाहिए? ए चुप कर। अबे मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? नहीं बेवकूफ, मधुमती है। हेलो हेलो फ्रेंड्स। हेलो, क्या आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं? Oh, yeah, yes, of course. और आप? माँ कसम, एक भी एपिसोड मिस किए बिना हम देखते हैं, सच कह रहा हूँ मैम, यकीन कीजिए। ओके, अच्छा दिलीप कैमरा ऑन करो। हमारे देश के नेता हमारे देश को सुपर पावर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक नागरिक होने के नाते इस बारे में आप लोगों की क्या राय है ये बताइए। ये सब नौटंकी है, वहाँ दगा यहाँ दगा, जहाँ देखो दगा ही दगा। आजाद देश में आज हर गरीब कुत्ते की जिंदगी जी रहा है, टुकड़े नोचते हुए हमें जीने का साधन। कवि महाराज, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, जरा चुप हो जाओ। बैठ जाओ। हाँ मैडम, पूछिए आपको जो पूछना है, सब सवालों का जवाब मिल जाएगा। सच्चाई पूरी दुनिया को कड़वी लगती है, उनमें से तुम लोग भी हो। आप अपनी राय बताइए। यू नो, हिंदुस्तान में मनचाही मुराद किसी की पूरी नहीं होती, यहाँ सब कुछ डोनेशन में। अरे अपना भाषण बंद कर, ये इंग्लिश में महारथी है, आपका चैनल बंद करवा देगा। जो पूछना है मुझसे पूछे, मैं जवाब दूंगा। कूल डाउन कूल डाउन, आप अपनी राय बताइए। हिंदुस्तान में बेरोजगारी है, नहीं समझी? अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, गवर्नमेंट सपनों की तरह अंधेरे में स्कीम पास करती है। स्कीम और नहीं तो क्या, पहली बात तो सब फाइलों में ही रहती है, और हमें मिलता है खाने को इडली सांभर, वो नहीं मिला तो वड़ा पाव खा लेते हैं। और इसके लिए भी क्या करना पड़ता है, बूट पॉलिश। इसमें खर्चा ही क्या है, दो पॉलिश का डब्बा और 2x2 की एक जगह, काम ब्लैक एंड रेड, फिनिश। आपके कहने का मतलब मैं नहीं समझ पा रही हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि इंडिया सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है, इसमें आप लोग कितना सहयोग देंगे ये बताइए। हमारे भारत देश से अच्छा कोई देश नहीं है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यही सच है। हमारे देश के हर नागरिक का हर सपना एक दिन जरूर पूरा होगा, क्योंकि इस देश में बेईमानी से ऊंचा दर्जा ईमानदारी को दिया जाता है। भगवान की दया से ये सपना भी एक दिन जरूर पूरा होगा। ये आप कैसे कह सकते हैं? क्यों नहीं कह सकता, इस देश का हर एक नागरिक अपने लिए कम देश के लिए ज्यादा सोचता है। यहाँ इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, चाहे कोई भी हो, आप चाहे जाकर किसी से भी पूछ लीजिए, चाहे तो सरकारी कर्मचारी से भी पूछिए। मैं दावा करता हूँ सबके अंदर इंसानियत जिंदा है। आज तक मैंने कई लोगों से सवाल किए, किसी ने ऐसा जवाब नहीं दिया, सिंपली ग्रेट। बाय द वे, मुझे इंडियन कल्चर के बारे में कुछ पूछना है। हर किसी का जवाब हमें सही और गलत ढंग से मिला, अब आपसे अगर मैं हेल्प मांगू तो क्या आप मेरी मदद करेंगे? मैं इस लायक कहाँ? आप बहुत टैलेंटेड है, आपको नहीं पता। करेक्ट करेक्ट मैडम, और जनाब को देखिए, ये दगा वो दगा, दगे के ऊपर दगा, दगे को लेकर खाली घूम रहे हैं, ये इस बात को क्या जानेंगे? सच के साथ थोड़ी हंसी भी तो चाहिए। ओके, बाय द वे, कल सेंट्रल लाइब्रेरी में इंडियन कल्चर पे एक सेमिनार हो रहा है, आप सब वहाँ जरूर आइएगा। ओके ओके, मेरा विजिटिंग कार्ड देना प्लीज, ये है मेरा कार्ड। नाइस मीटिंग यू, बाय। I'm not afraid to die.
अरे निर्मल टाइम क्या हुआ? अरे अच्छे से समझ में नहीं आ रहा यार, लगता है इसकी घड़ी खराब है। 10 बजने वाले हमें टाइम पर वहाँ पर पहुँचना होगा यार, और हम लोग यहाँ पर बकवास करके टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं 2 नंबर जा के आता हूँ, रुक जरा। अरे सुन यार, आज के दिन कैसे भी करके मैनेज कर ले प्लीज। संसार यार में हर चीज को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन 2 नंबर आने को नहीं, मैं जा रहा हूँ। अरे बताता हूँ, सुन यार, बैठ 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 बैठ। अरे निकल जाएगी। बोल ना यार, हमें किसका साथ देना है? प्रेम रोग का? मेरी यार सुन, लड़की से तू प्यार भरी बात करना। इंडिया में कहां गड्ढा है या गड्ढे में रोड है, इस तरह की फालतू बातें तुम उससे बिल्कुल मत करना। तुम उसके दिल में प्यार से उतरना। कैसे यार? आसमान से गिरकर खजूर में मत अटक। कैसे कहना है ना, तुम मुझसे सुन। देख, प्यार का जब नाम आता है ना तो लोग इंडिया को बहुत याद करते हैं, जानता है क्यों? ताजमहल। वो इसलिए, पवित्र प्यार का सबूत हमारे ही देश में है। बहुत लेक्चर हो गया ना, अब निकल या उगल, मैं चला यार। इसी तरह आज मैनेज कर लेना यार, बताना इसके बाद क्या कहना। तब वो कहेगी यस आपने सही कहा, तब तुझे कहना होगा ताजमहल मशहूर होने का कारण है प्रेम। मुमताज की याद में अकबर बादशाह ने उसे बनाया है। अकबर बादशाह नहीं रे, शाहजहां। अकबर ने बनाया, शाहजहां ने, दोनों तो एक ही खानदान के है ना। ए तू चुप रहना यार, तू बता प्यार का इजहार कैसे करूं? एक दूसरे के लिए फिल्म देखी है? ए मुझे जोर से लगी, मैं खाली करके आता हूं। अरे रुकना यार, जिस टॉपिक पे बात चल रही है उसे पूरा तो कर। तू पूरा करना। सुन, तू उसके पास जाके पूछना, मैडम आपकी हॉबी क्या है? कहेगी फिल्मों में काम करना। तब तुम पूछना आपने टाइटैनिक फिल्म देखी है क्या? तब वो कहेगी मैंने देखी है। तब तू कहना मैंने भी कई बार देखी है। मैंने तो उसे एक बार भी नहीं देखा। अरे देखी तो मैंने भी नहीं है यार। टाइटैनिक फिल्म देखने के बाद प्यार क्या होता है लोग ये समझते हैं, और प्यार का स्वीटनेस का अनुभव करते हैं, और किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। तब वो धीरे धीरे तेरी तरफ फिसलने लगेगी। अरे वो आ गई, देख। हे दोस्त, विश यू ऑल द बेस्ट, सारी बातें याद रखना। अरे रुक रुक, अरे रुक जा यार, तू नागपाड़ा का भाई है क्या? अपने बटन तो लगा। चल अब जा जा। रुक जा रुक जा, मोहतरमा गाड़ी से गई है यार, और तू पैदल ही चल के जाएगा। ए बाइक की चाबी देना। हां ये लो, ले। चल अब जा 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 ना जा ना। अरे सांबा, नाश्ते का बंदोबस्त करके जा। ए चुप रहना। ए, मतलब निकल गया तो अपने दोस्त लोग को भी भूल जा रहा है क्या? जुलाब की गोली देता हूँ तुझे। ए मैं बहुत जल्दी में हूँ, मैं 2 नंबर करके आता हूँ, तब तक तुम लोग जरा यहीं पर रुको। हाँ क्यों, हल्का हो गया तू? हल्का हो गया, मोहतरमा के चक्कर में टॉयलेट को रोककर पेट फूल हो गया था। चल देखते हैं क्या खिचड़ी पक रही है। चल 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 चल, चल। अरे लगता है हमारा समझाना सफल हुआ, उधर देख तो जुगनू की रोशनी है। चल देखते हैं। देख भाई सांबा पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है, वो हमारे सामने हाँ हाँ करेगा और वहाँ पर जाकर कुछ और करेगा, समझ गया ना? अरे छोड़ ना उसे, इसे देखते हैं। अरे मैं हूँ ना, चल चलते हैं। हाय टाटा। हाय, छोड़कर कहाँ चला गया था तू? वन मिनट। ओके। ए मेरा कमीशन का है? अबे सारी साला तुझे फ्री में चाहिए क्या? अबे तेरा कबाब में हड्डी बनना जरूरी था। अरे पुरानी आदत है। अच्छा पटी क्या तुझे वो? हाँ, और आके खीर में नमक घोल दिया। चल चल चल, अबे रुक जा यहाँ से। ओ आई एम सॉरी। हाँ कहा था ना रात को दवा ले लेना। जा जा। थैंक्स थैंक्स। जा जा। इनको अपनी हेल्थ की रत्ती भर भी परवाह नहीं है। हाँ वैसे वो सेमिनार कितने बजे शुरू होगा? थोड़ी देर लगेगी, कुछ डेलीगेट्स आने वाले हैं, तब तक चाय ठंडा हो जाए। इतना सन्नाटा क्यों है भाई, ये बात क्यों नहीं कर रहे? खेत में अनाज बोते हैं तो 4 दिन में अंकुर फूट आते हैं, इसका कुछ नहीं होगा। नई बात थोड़ी है, प्यार के चक्कर में बड़े बड़े पहलवान गिर जाते हैं तो फिर सांबा क्या चीज है? क्या आपने कभी ताजमहल देखा है? देखा है, ग्रेट मॉन्यूमेंट, वन ऑफ द वंडर ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया की शान है। बिल्कुल ऑफ कोर्स, मगर उस ताजमहल को बनाने के पीछे एक कारण है, वो कारण है एक सच्चे प्यार को दुनिया को बताना, जो शाहजहां को मुमताज से था, उन दोनों के प्यार का प्रतीक है वो महल। आपका क्या कहना है? ऑफ कोर्स। एक बार देखें तो बार बार देखने को जी नहीं करता है? मे बी, मैं तो उसे बनाने में लगी हुई लागत और बनाने वाले जीनियस इंजीनियर के बारे में सोच रही थी। सच कहती हूँ,
आज के जमाने में उस तरह की कोई भी चीज बनाना आसान नहीं है। क्यों बेटो, ये लड़की खाली हिस्ट्री खोजती है क्या? आपके हॉबीज क्या हैं? हॉबीज कहूँ तो ऐसा खास कुछ नहीं है, कभी कभी टीवी में फिल्में देख लेती हूँ। रिसेंटली मैंने टाइटैनिक देखी है। आपने टाइटैनिक देखी है? हाँ, एक बार देखी पर बार बार देखना चाहूंगी। अच्छा सुन, ऐसा नहीं लगता कि वो लड़की खाली फिल्मों के बारे में बात कर रही है? 20 टाइम देखी है, और आज अगर थिएटर में लग जाए ना तो 100 रुपए ब्लैक देकर उसे फिर से देखूंगा। अच्छा, और नहीं तो क्या, जैसे उन दोनों का एक दूसरे के करीब आना और शिप में उनका प्यार। बापरे बापरे बापरे, क्या कमाल फिल्म है। उसके बाद मेरी सोच बदल गई, हर किसी को प्यार करना ही चाहिए, इसीलिए कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ी चीज है प्यार। लेकिन मुझे उस फिल्म में शिप को डूबते हुए देखकर बहुत दुख हुआ था। उस सीन में लोग अपनी जान बचाने के लिए कितनी बुरी तरह से तड़प रहे थे। बापरे, उनका दुख और दर्द देख कर ना मुझे भी रोना आ रहा था, पलक झपकने का भी दिल नहीं कर रहा था। अच्छा, मुझे लगता है इसीलिए वो फिल्म इतनी हिट हुई है। हाँ। तुम क्या कहते हो? मुझे भी कुछ ऐसा ही हुआ था। सांबा की लव स्टोरी भी टाइटैनिक की तरह ही डूबने वाली है। टाइम हो गया है। हाँ। चलो। हाँ। चलो, भगवान इसका बेड़ा पार लगाए। बाय द वे, अगले हफ्ते हम इस प्रोग्राम को वाइसेक में करने के बारे में सोच रहे हैं। ओह, आई सी। हाँ। वहाँ आपका कोई पहचान वाला है क्या? पहचान वाला तो कोई भी नहीं है, इस प्रोग्राम के लिए ही जाना होगा। नहीं, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि बैजा का आप पहली बार जा रही हैं। मैं दुआ करूंगा कि वहाँ आपको किसी बात की तकलीफ ना हो। That's very nice. अगर आप रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके।
किसी भी तरह तुम्हें पाना है। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, लेकिन कैसे? अरे वो मेरा कार्ड है यार। अरे मोटे पत्ता कार्ड तो पकड़ने दे। अरे रे वो मेरा कार्ड है। चुप करना। शो। अरे शो कैसे, खेल तो अभी शुरू किया ना। क्या हुआ सांबा, तू खामोश क्यों है? क्या बात है? हा? उस लड़की के दिल में क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब से उससे मिला हूं एक बार भी प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। खत्म खत्म, जिन गायब हो गया। ये तेरे बस की बात नहीं है भाई, तू रास्ता बदल ले। कम ऑन सांबा, कूल डाउन। हे, तेरे प्यार की कामयाबी के लिए मुझे एक आइडिया सुझा है। क्या? वही वो लड़की पब्लिक फिगर है ना, तो तू भी पब्लिक फिगर बन जा। अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? चुप रह, हम भी देश की सेवा के लिए उतरेंगे, जैसे गांव को, रास्तों को और भी बहुत कुछ सुधारेंगे। पनघट में पानी भरना, इससे फायदा क्या? ए, ये महात्मा गांधी की जन्मभूमि है, जब वो सक्सेसफुल हुए तो हम क्यों नहीं। हाँ यार, इसने सही कहा, हम बेकार में टाइम गवा रहे हैं। हम सबको गाँव में जाकर कुछ करना चाहिए, वहाँ मधुमती आएगी और तुम्हें अच्छा मौका मिल जाएगा। मौका देख कर आई लव यू बोल देना तुम। ये आइडिया काम करेगा। ए, मर जा तो डरना क्या, फोन ला। ए, किसको फोन कर रहा है? अबे चुप ना। हेलो हेलो मधुमती। नो मैं टाटा। हाँ बोलो टाटा। आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करना चाहता हूँ। ग्रेट, आप कितना अच्छा बोलते हैं। और नहीं तो क्या। रियली आई प्राउड ऑफ यू संभा। बताओ ये ख्याल तुम्हें कैसे आया? बाय पोस्ट होकर इसके दिमाग में आई। वो क्या है ना, आपका प्रोग्राम देख कर है। हमारा प्रोग्राम लगातार देखते हो? आई एम वेरी लकी। वैसे हम सब भी लकी है, क्योंकि आपका प्रोग्राम देखकर हमें देशभक्ति की भावना जागी है। वैसे सांभा तो हमें पहले से कह रहा था। वेल, शुरुआत कहाँ से की आपने? कस्बे से। और ये शुरुआत खत्म कब होगी? वो कभी खत्म नहीं होगी, वो तो आखिरी तक चलता रहेगा। वही सांभा की जन्मभूमि। तो उस गांव का नाम क्या है? अलीबाग। सब खैरियत से तो है ना? हाँ सब खैरियत है भाई, गांव के पटेल के जरिए मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। इतना सुकून और कहीं नहीं मिल सकता यार। मूनलाइट में बाहर सोने से एकदम कूल लगता है। और जरा शहर में देखो, रात दिन ट्रैफिक का शोर मचा रहता है। कहीं अगर गार्डन में लेट जाओ तो पुलिस वाले मारने के लिए आ जाते हैं। हवा के नाम पर आग की लपट बहती है, फैन चालू करने के लिए लाइट नहीं होती, परेशानी परेशानी। यहाँ तो आंखें बंद करके आराम से दुनिया को भूल जाओ। क्यों बेटो, तेरा बाप दादा यहाँ पर कलेक्टर है या फिर फोर व्हीलर की गर्मी का इफेक्ट है? ए ढक्कन चुप रहना। क्यों बेटो, कलेक्टर के राज में रात को सोकर भी सुबह उठकर खुजली? शहर में नहीं, गांव में भी हर प्राणी को पूरी आजादी मिलती है। क्या यार ये शहर में खटमल काटे और यहाँ मच्छर, नींद ही पूरी नहीं हो रही यार। प्लीज यार मेरी खातिर। क्यों महेश, ये खास परेशानी हम क्यों उठाए? जो प्यार करता है वो ये झेले ना, हम मच्छर को खून क्यों पिलाए? ए तू अपना रूट क्यों बदल रहा है बे? बीच में छोड़कर जाने की बात करेगा ना तो जान से मार दूंगा। टेंशन मत ले यार, मच्छर का जहर अंदर गया होगा तो इसके सर पे चढ़ गया होगा। हमें सड़क सुधारनी है, गांव सुधारना है और भी बहुत कुछ करना है। उसके बाद सही मौका देखकर तू अपनी महबूबा को आई लव यू बोल देना। आगे का मैं बताता हूँ। उसके बाद एक दूसरे को मिलना, मंगनी होना, फेरे लेना, सुहाग रात में दूध का ग्लास लेकर आना। तेरा सर, बीरबल की खिचड़ी पकाने के लिए यही जगह मिली थी तुझे। ये बीरबल की खिचड़ी तेरे लिए है क्या? वक्त आने से पहले बकवास करेगा तो काट डालूंगा। अरे तो फिर मैं चल रहा हूं। चल सो जा सो जा। ऐसा क्या है यार, अभी टाइम है, सो जा। नमस्कार सर। आओ बैठो। ए साहब के लिए भी अपना। आप विस्की पीते हैं? तू? मैं अंग्रेजी चीज को छूता तक नहीं, पक्का देशी हूँ। ठर्रा हमारे पटेल साहब के बाप दादा, उनके भी बाप दादा, सब ठर्रा
पीते थे, समझे क्या? ए, चुपचाप बैठ, ज्यादा मत बोल, मुझे काम के बारे में बात करने दे। वो क्या है ना, अंग्रेजी चीजों से मुझे नफरत है। पैंट शर्ट कोट मैं पहनता ही नहीं। वो क्या कहते हैं वहाँ, सिटी नियम, स्वदेशी मूवमेंट। हाँ वही, जबान फिसल गई। वैसे काम क्या था? पटेल जी, पंचायत के चुनाव की तारीख तय हो गई है। बस इतनी सी बात? कुछ नया काम शुरू किया है लेकिन वो अधूरा छूट गया है। पागल हो गया है तू? थू, काम करके किसका भला हुआ है? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? और नहीं तो क्या, पैसा कमाने से बढ़कर और कौन सा काम है, हैं? सही है। पैसा कमाने के लिए खून बहाना है तो बता दो, पैसे के बगैर बेचैनी है। पैसा आएगा या नहीं इस बात की परेशानी हमेशा रहती है, इसलिए पैसे के बारे में सोचना चाहिए। लाल गांधी लाए हो? गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट? हाँ, गवर्नमेंट देगा तभी तो मैं काम करूंगा। वो तो देगा ही ना। तुम्हें अगर वोट चाहिए तो पहले लोन दिलाने का काम करो। हाँ, किस लिए भाई साहब? बाकी बात बाद में करेंगे, जाओ। ये है हमारे चीफ। नमस्ते। हमारा ख्याल रखना, होशियार रहना। मैं होशियार रहूं या ना रहूं, पैसा मुझे होशियार रखेगा। अच्छा, इस सामान का क्या करेंगे? ये पैसा तुम्हारा मुंह बंद रखने के लिए दिया गया है, समझा करो पटेल। ये क्या कह रहे हैं मालिक? अपनी जबान बंद रखो, इसी बात के पैसे मिले हैं, समझे? शुक्रिया, चल। हाँ। चल। अरे संभाल के ले जाओ इन चीजों को, समझते नहीं हो तुम लोग। उठाओ, चलो जल्दी करो, उठाओ यहाँ से। लो पकड़ो, चला संभाल के जाओ। ए भिड़ू, साबा, टाटा, सक्सेस, काम बन गया दोस्तों। देख लोगों को लेके आया हूँ, इन लोगों के जरिए रोड तोड़वाना है या बनवाना, जल्दी बता फास्ट। ए सांबा, तेरे प्यार की शुरुआत हो चुकी है। प्यार की मजदूरी करने वाला मजदूर अगर इस नाम की एक फिल्म बनाएगी तो फिल्म सुपर हिट चलेगी यार, मैंने सही कहा ना? हार में गया तुम्हारा प्यार, पहले मजदूरी क्या दोगे ये बताओ। अरे क्या यार, ये तो मजदूरी मांग रहा है। उन्हें क्या कहा था, इधर आ। मजदूरी दूंगा कहकर लाया क्या? यहाँ अपने पास खाने के लिए कुछ नहीं, इनको कहाँ से खिलाएंगे पागल। ए चुप रहे। देखिए भाई साहब, हम सब लोग यहाँ मिलकर काम करेंगे तब गांव सुंदर होगा, गांव सुंदर होगा तो राज्य सुंदर होगा, राज्य सुंदर होगा तो देश सुंदर होगा, सब कुछ सुंदर हो जाएगा, तब हमें आजादी का सच्चा अर्थ मिलेगा। आपको भेजा किसने, सरकार ने? नहीं। फिर भाषण क्यों मार रहे हो? मतलब के लिए। ठेकेदार के यहाँ हमें दिन रात काम करने के बावजूद ना रोटी मिलती है ना पूरी मजदूरी मिलती है, फिर भूखा रह के हम तुम्हारे साथ क्यों मरे? तुम लोगों को कोई और काम नहीं है क्या? बेकार में यहाँ के दिमाग खराब कर रहे हो, चलो जाओ। अरे भाइयों, ये तुम सब क्या कर रहे हो? उधर बैंक लोन दे रहा है, चलो चलो। अरे मजनू, तेरा प्यार तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। यार सांबा, अगर लाखों रुपए जेब में होते तो उनके दम पर हम बहुत कुछ कर सकते थे, तेरा प्यार तो शुरू होने से पहले ही दी एंड हो गया। ये ले, सच बात है। हेलो, या वन मिनट। हेलो। हे हाय, हाउ आर यू? हाँ हाय। काम तो चल रहा है ना? हाँ काम चल रहा है, पहले रोड के गड्ढे में गड्ढे में कौन है बे? मधुमती। हाँ इधर ला, इधर ला। हेलो मधुमती, मैं टाटा। हाय टाटा, कैसे हो तुम? काम कैसा चल रहा है तुम्हारा? अरे बाप रे, क्या बताऊं, अभी सांबा को थोड़ा वक्त मिला है खुजली खुजाने के लिए, जनता का तो कारवा उमड़ पड़ा है यहाँ पर। काम से अभी सांस लेने का मौका मिला है और तुम्हारा फोन आ गया। अच्छा, मतलब सही टाइम पे फोन किया है मैंने। ए जल्दी कर, ऊपर है अकल के अंधे। हाँ ऊपर, ठीक है। हाँ थोड़ा, अरे थोड़ा बाजू में। काम चल रहा है? हाँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। हाँ विश्वास नहीं हो रहा तो खुद ही आकर देख लो। हाँ मधुमती, दो दिन में रोड का काम हो जाएगा, सारे गड्ढे भर जाएंगे, बस दो दिन में क्लीन एंड ग्रीन। वेरी नाइस, जरा संभा को तो फोन देना। हाँ एक मिनट प्लीज। हेलो, डेवलपिंग अच्छे ढंग से करना। हाँ जरा रोड के काम में बिजी था तो। ओके, मैं फिर फोन करूंगी, बाय। ओके। अबे झूठे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? ए, ये प्लान मेरा नहीं निर्मल का था, उसे बोल। अरे उस पर क्यों बरस रहे हो? बापू की धरती पे हमने सफल होने की सोची, अब ये फ्लॉप होगा मुझे कैसे मालूम? अरे वो बापू ने तो पुलिस के डंडे जूते खाए हैं, इसमें खाने की हिम्मत भी है क्या? खड़े रहते ही देवानंद की तरह हवा में हिलने लगता है। देखा जाएगा, चलो। अरे शांत हो जाइए। मैं कितनी बार समझा चुका हूँ, लोन देना इतना आसान नहीं है। हमने लोन लिया है, आपको पैसा देना पड़ेगा। नहीं मिलेगा, कहा ना, तुम लोगों को लोन नहीं मिलेगा किसी भी कीमत पे नहीं। बात को समझिए, जाइए यहाँ से। कर सकते हैं आप, हमें लोन दीजिए। इस पैसे के लिए हम कब से आस लगाए बैठे हैं मालिक। नहीं मिलेगा। मैनेजर साहब, बड़े साहब बड़े दिल वाले थे, वो हम सबकी सहायता करते थे, आप भी हमारी मदद कीजिए। पटेल साहब,
क्या बात है, लोन नहीं दे रहे हो? देखिए साहब, आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरी मजबूरियां हैं। क्या तुम्हारी मजबूरी है? गरीबों के घर में चूल्हा नहीं जलना चाहिए क्या? ये हमारे पटेल जी है। देखिए पटेल जी, आपने जो पैसा दोगे या नहीं ये बताओ। आप बात को समझ ही नहीं रहे हैं। मुझे मत समझा, पैसा नहीं दोगे तो इनके घर में चूल्हा कैसे जलेगा? अंग्रेजी नहीं, पैसा दोगे या नहीं ये सब मेरे छोटे भाई है, समझे? अरे आप बेकार जिद पे अड़े हुए हैं। जिद नहीं करूंगा तो मैं गरीब हो जाऊंगा। क्या बड़बड़ा रहे हो? धांधली करोगे तो पुलिस को बुलाऊंगा। क्या पुलिस को बुलाओगे? पुलिस को बुलाओगे? बुलाओ पुलिस, नहीं तो मिनिस्टर को बुलाओ। मिनिस्टर नहीं मिला तो भगवान को बुलाओ। मेरे भाइयों को पैसा नहीं मिलेगा तब तक मैं हिलूंगा नहीं। हाँ, मुझे भगाने की सोच रहे हो? इस पटेल में कितना दम है बताऊंगा तुमको। हाँ, ये सब क्या चल रहा है? सब गवाही देंगे कि मैंने अपने आप को क्यों जलाया। बात को सुनिए, ऐसा कुछ मत कीजिए प्लीज। सुनिए, हमारे पटेल जी को नहीं जानते आप? हमारे पटेल जी के बाप दादा परदादा उनके दादा सब ऐसे ही पेट्रोल डाल के जलते थे। हमारे पटेल जी के दो जिगर हैं, समझे? पटेल साहब, आगे हम ही लगाए कि आप ही लगा लेंगे? नमक हराम कहेंगे? आप लोग चाहते क्या? आप लोग पटेल जी, आप लोग अगर पटेल जी को कुछ हो गया तो बैंक को खंडहर बना देंगे। सब चुप हो जाओ, ऐसा करोगे तो पुलिस तुम्हें परेशान करेगी। बात को समझिए, आपको कुछ हो गया तो सब परेशानी में आ जाएंगे। तुम्हारी तो नौकरी जाएगी, मेरी तो जान जाएगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, रोज चाहिए ना? देता हूँ। देता हूँ नहीं, अब भी दो। ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाइए। आप तो हमारे लिए भगवान है। परेशानी मैं झेलूं और मजे तुम लोग लो, जाओ। पटेल साहब, अभी आप पेट्रोल डाले हैं, तीली जल गई तो कोयला बन जाएंगे। मैं अलीबाग का येड़ा लगता हूँ क्या बे? नमस्ते पटेल साहब। नमस्ते नारायण। आपकी दया से मुझे पैसे मिल गए मालिक। मेरी क्या दया, वो तो उसकी है। अच्छा सुनो नारायण, पिछली बार जो तुमने कर्जा लिया था वो सूद समेत कितना होता है? अभी तो पैसे मिले हैं मालिक, फसल कटते ही आपकी चुका दूंगा। हाँ चुका दोगे, मैंने कब मना किया? हाँ, अपना पैसा वसूल कर लीजिए पटेल साहब। ए सुनो, चुपचाप मेरे पैसे दे, जरूरत पड़ेगी तो फिर से ले लेना। नारायण समझा करो, मेरे घर में भी एक रानी है। भाई बाप, इस वक्त मैं बहुत बुरी हालत में हूँ, परेशान हूँ। बेवकूफ, पैसा घर में रखेगा तो चोरी हो जाएगा, कम से कम कर्जा तो चुका। अरे मैं तेरी मदद कर रहा हूँ ना नारायण, तू डर क्यों रहा है? पटेल अभी जिंदा है, पटेल अभी मरा नहीं है। लेकिन मालिक, क्यों रोता है पैसा पैसा करके? हाँ चला ये ले। नारायण असल आ गया, ब्याज कौन चुकाएगा? तू अनाज भी बेचता है तो 5 रुपया ज्यादा लगा के बेचता है। मेरी मजबूरी समझो मालिक। अरे मुझे कौन समझेगा, मेरा खजाना खाली पड़ा है, 5 रुपया बांटता हूँ तो मुश्किल से आधा आता है। पैसा साथ ले जाएगा तो आज ही इसका काम पूरा हो जाएगा। जब तुम पर मुसीबत आती है तो मैं अपनी जान देने को तैयार रहता हूँ, लेकिन तेरा मरा हुआ मुंह नहीं देख सकता मैं, इसलिए ये पैसे मुझे दे दे, संभाल कर रखे। नारायण पैसे अपने पास रख लिए, इस बात का तुम्हें दुख हो रहा है ना? ला रे पैसा ला, बाकी भी दे, ये लो। अच्छी खिचड़ी बनाओ, पेट भर खाओ और आराम से सो जाओ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ चलो। ये तो हद से कुछ ज्यादा ही हो रहा है यार, ये तो जंगल राज है यार। यही हो रहा है, यही हो रहा है, आगे दगा पीछे दगा, जहाँ देखो दगा दगा। ये जिंदगी में हमें जीने
मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। प्लीज ये शेरो शायरी आप बंद कर दीजिए। इसकी बातों में गलत क्या है? साफ साफ तो दिख रहा है। हम ऐसे अन्याय नहीं देख सकते। हमें पटेल को सबक सिखाना होगा। चलो रुक जा, हमें कोई लफड़ा नहीं करना। हम यहाँ सिर्फ मधुमति के लिए आए हैं। कब तक अंधे बनेंगे? ठर्रे को हम विदेशी समझ के पी ले क्या? डोंट बी सिली मैन। चुप रहो यार, हम यहाँ मधुमति को इम्प्रेस करने आए हैं। फालतू कामों में टांग नहीं अड़ाना। अरे आइडिया की बात से एक आइडिया आया है। तूफान का आगाज है। बचानी है तो भाग लो मेरे साथ। चलो 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 चलो। देखा ना, पहले ये लोग भी आपकी तरह डरते थे, फिर एक साथ मिले तो किस तरह गुंडों को मार भगाया। सुनील शेट्टी की तरह हिम्मत दिखाओ, पब्लिक यानी आप लोग। आपको हिम्मत जुटानी है। जी साहब। अब ये कैसेट देखिए। देख लिया प्रजा के साथ कैसा जुल्म हो रहा है। अरे अंग्रेजों को भी कुत्तों के जैसे मारा। किसने? आपने। पब्लिक। अलग अलग रहने से कोई किसी का मुकाबला नहीं कर सकता। 100 रुपए पे 10% देकर आप लोग अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं। सरकार ने गरीबों के लिए बहुत कुछ कर रखा है, वो तुम लोग तक पहुंचता है क्या? अरे बोलो ना। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? इतने नादानों खुद को नहीं जानते, अपनी हिम्मत नहीं पहचानते। उस पटेल को अच्छे से सबक सिखाओ। धपाक 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 करके धुलाई करो। और अगर डर लगता है ना तो सबसे आगे मैं रहूंगा, तुम लोग को मैं साथ दूंगा। सही है साहब, सही कह रहे हैं। हम पटेल से क्यों डरें? और क्या, हम लोग क्यों डरें? तो फिर सुनिए, इस वक्त जो कुछ भी आप लोगों ने कहा उस पे कायम रहिएगा। जो पैसा आप लोगों से पटेल ने छीना है उसे आप लोग वापस लीजिए। तो देंगे क्या? वो क्या, उसका बाप भी देगा। चलो अभी चलते हैं। ओ कोई फायदा नहीं है, बैंगन पे पानी रुकता है क्या? टाइम बर्बाद मत करो। समझ गए? क्या क्या बात है? अरे नहीं, समझदारी। क्या रे, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? हाँ कुछ खास नहीं पटेल जी, आपने जो हमसे पैसे लिए हैं उसी के बारे में समझा रहे थे। क्या समझा रहे थे? वही पटेल जी कि आप हमारे लिए देवता हैं, आप हमारी सुरक्षा करते हैं। खाने पीने की तकलीफ होती है तो आप ही हमारी मदद करते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, डरो मत, जाओ। जी सर। नहीं सुधरेंगे। ए, कौन हो तुम लोग, यहाँ क्यों आए हो? सुन सांबा, इन्हें झटका देना होगा। वो क्या है ना सर, आपकी सहायता से हम भी जनता की कुछ सेवा करना चाहते हैं, इसीलिए हमने ये सब किया है। आप किस तरह की मदद करना चाहते हैं? नहीं पटेल जी, बड़े घर के लड़के लोग हैं ना, ये लोग अपने जन्मदिन पर पूरे गांव वालों को बुलाकर अन्नदान, पैसा दान, कपड़ा दान, रक्तदान वगैरह। अच्छा, ये रक्तदान अगर मैं करूँगा तो मुझे रोकड़ा कितना मिलेगा बताओ? पूरे गाँव वालों का खून बेच दूंगा, 10% कमीशन भी दूंगा। अरे बुरा मत मानना, मजाक कर रहा था, जा। चलो। शिट, डरपोक कहीं के। हे, हम यहाँ मधुमति के लिए आए हैं, लफड़ा करने के लिए नहीं आए। प्लीज। वो कहाँ है? ए टाटा, ए। अच्छा तो तू यहाँ है। मुझे मत मारिए पटेल जी, मैंने कुछ नहीं किया पटेल जी, मैं तो सारे गधों को घोड़ा बनाने की सोच रहा था पटेल जी। आप मेरे भगवान हो पटेल जी, मैं आपकी पूजा करूंगा पटेल जी, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे पटेल। चूहा साला, सब चले गए। पटेल जी, इतना सारा लोग बम राइफल सब देकर जा रहे हैं, कहीं ये चोरी का माल तो नहीं है ना? हाँ पटेल जी, उस सब में ISI मार्क लगा हुआ है ना? अबे गधे, जरा उधर देख। आ? यही तो उसमें था। वो सामान भी इसी तरह का है। साहब आपका मैसेज आया। पटेल जी, ये अंदर खुसुर फुसुर का चल रहा है, चलिए अंदर चल के देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुजूर, फरमाइए। ओवर। क्या हाल चाल है? ओवर।
आप बेफिक्र रहिएगा, पूरा इंतजाम हो चुका है। ओवर। अब की बार हमारा टारगेट कौन है? ओवर। अब की बार 15 अगस्त को हैदराबाद का ऐसा हशर होगा कि सारी दुनिया याद रखेगी। ओवर। तुम्हारी खिदमत के लिए और एक ट्रक भेज रहा हूँ, ट्रक नंबर AP112020। ओवर एंड आउट। हुजूर, दोबारा फरमाइएगा। ओवर। ठीक है, ट्रक का नंबर है AP11। AP11 2020 2020। खुदा हाफिज। ओवर एंड आउट। पटेल जी, कौन मशीन है? अबे गधे, मुझे मालूम होता तो मैं नहीं बताता, इससे हमें क्या मतलब है? क्या पता पटेल जी, हमको तो संदेह हो रहा है। इसमें संदेह की क्या बात है, गोदाम भाड़े पर दिया है, पैसा मिल रहा है, बात खत्म है। तो इतना उदास बैठा है। सही कह रहा है यार। मधुमती जल्दी आ जाओ, मेरा दोस्त मजनू बनकर बैठा है। अरे यार, इतना सीरियस क्यों हो रहा है, जरा हंसना। तुम लोगों के साथ हंसता रहूं पागलों की तरह? कुछ नहीं हो सकता, गांव वालों की मदद करना बेकार है, ऊपर से तुम लोगों के एहसान लेने पड़ रहे हैं, सब बेकार हो गए। चुप करना, आया बड़ा परेशान होने वाला, तेरे गार्डियन हम क्यों बने? ए, प्रॉब्लम क्या है? अंग्रेज की औलाद, चुप बैठ। चल बे। अरे यार, एक आइडिया आया है मुझे, अगर वर्कआउट हो गया तो सक्सेस। ए, टेंशन और मत बढ़ा, चुप बैठ। अरे सुनो तो सही यार, इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पॉपुलेशन, इसीलिए हर गांव गरीबी के दलदल में धंसता जा रहा है। एक बच्चा होने के बाद अगर हम फैमिली प्लानिंग चलाए तो? ए, फैंटास्टिक आइडिया यार, वर्कआउट करेंगे। क्या वर्कआउट करेंगे, हमारी बातों से लोग कुर्बानी देंगे? नहीं चलेगा, कोई नहीं सुनेगा, मैं इसके खिलाफ। तू चुप करना, तुझे करवाने के लिए कौन बोला? मैं हूँ ना, हाथ जोड़ूंगा, पैर पड़ूंगा, कन्विंस करूंगा, तू टेंशन मत ले, सब काम हम देख लेंगे। हाँ, हम सक्सेस होंगे, मेरा यकीन कर यार। चल यार। देश के फौजी जवान भाई बहनों, मेरी बात को आप लोग जरा ध्यान से सुनिए। अरे तू भाई बहन करके क्यों कह रहा है, यहाँ सिर्फ भाई लोग ही खड़े हैं। चलता है चलता है। दारू या ताड़ी कितनी मिलेगी ये बता पहले। ताड़ी है, ठर्रा है, नैनो का छर्रा है। मस्त है ये, मस्त है ये चोरी, अरे निजाम पोरी। कहाँ ले जाएगा बेवड़े? अरे जाननी रात चने खेत में चले। मगर तुम्हारे साथ वहाँ मैं क्यों चलूं? अरे तो फिर हाईटेक सिटी चलेगी क्या मेरे साथ? साले तो घूट अंदर क्या गई, बुढ़ापे में जवानी फिर से उबाल मारने लगी, चल जा। अरे उसको रेंदे और चल मेरे साथ रे। जवानी बूढ़ा क्या सबका चढ़ा है पारा। हाँ, जोड़ी ट्रेड सेंटर पे तीर सबने है मारा। खैर नहीं हिरने के झुंड पड़ा शेरों का। अरे मस्त है ये चोरी, अरे निजापुरी, अरे कर गई रे।
से हूँ हसीन अप्सरा, रास रचाने में आई कर ले रास राजरा। असली घर का माल मिला, अब कुछ पैसे दे दो तो ऑपरेशन करवा लेंगे। ऐसा पैसा फेंको तमाशा देखो, हम लोगों की जिंदगी शराब पर टिकी हुई है। ए सांबा, तेरा प्यार तो सक्सेस है। अरे बिलो, पहले ऑपरेशन का काम फिर लव का प्रोग्राम। इतना करने के बाद एक आदमी भी नजर नहीं आ रहा, जो कुछ था बेच कर दारू पिला दे। अभी तक कोटेशन पूरा नहीं हुआ है, ले दम लगा। अभी तक तो कोई आया नहीं, पता नहीं कोई आएगा भी या नहीं। ए, तू अपना दिमाग क्यों खराब कर रहा है, छोड़ना। क्या पता कोई आएगा कि नहीं, मुझे तो शक हो रहा है। ए, चुप रह, गलत बात अपने मुंह से मत निकाल। हेलो, मैं मधुमति बोल रही हूँ। ए सांबा, ये फोन ले। हेलो। हाय संभा। हाय। काम कैसा चल रहा है? चल रहा है, वो क्या है कि आज के दिन फैमिली प्लानिंग। कौन है? मधुमति। एक मिनट। आई विल मैनेज। हेलो मधुमति, मैं टाटा। हाय टाटा, काम कैसा चल रहा है? अरे क्या बताऊं, कितना प्रोग्रेस है यहाँ पे। अरे यही खड़ा है वही सांबा, गाँव गाँव घूम कर प्रोडक्शन की मशीन को आबादी बढ़ने से कितनी तकलीफ होती है ये गाँव वालों को समझा रहा है। खत्म, गधे लोग आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे और करवा रहे। क्या कह रहे हो? फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन। अगला जन्म मिलेगा ना तो सांबा के जैसा एक ही बच्चा पैदा करने को कहूंगा मैं। ज्यादा बच्चे पैदा करने से तुम्हें और हमें कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है ये देखो 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 देखो, एक और आ गया हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाने के लिए। तेरी तो सांबा को फोन दो। संभा, हेलो संभा, मैं तुम्हें एक सरप्राइज देने के लिए आ रही हूँ, जरा सोचो तो। ऐसा कौन सा सरप्राइज है? आज शाम को तुम मेरा प्रोग्राम देखना। प्लीज बताओ ना। बताना होता तो बता देती, सरप्राइज है, खुद देखना। ओके बाय। ओके। क्या यार, लगता ये प्लान भी फेल हो गया। हाँ यार, अब क्या करें। अबे बोल बच्चन, फोन पे सब बताना जरूरी था, एक भी आदमी ऑपरेशन के लिए आया है। छोड़ यार, क्यों टेंशन लेता है, गांव के शराबी लोग ये बातें क्या जाने, बस बच्चे पैदा करते रहते हैं। चल चल, हम लोग कुछ और सोचते हैं। खेत में चलो। ए राजगिरी रुको। अरे अरे रुको, तू अपने जबान से कैसे पलटा? सुनो भाई, तुम लोगों की भलाई के लिए है, एक छोटा सा ऑपरेशन करा लो। चुपचाप रह, अंग्रेज की औलाद क्या बोल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रात भर तूने जी भर के शराब और ताड़ी पी और सुबह पलटी खा गया है? मेरे दोस्तों ने मुझे रोका साहब। वो क्यों? वो ऑपरेशन करवाने के बाद आदमी नामर्द हो जाता है। ये तुम लोगों का भ्रम है, ऑपरेशन करवाने वालों को सरकार पैसा भी देती है। तुम्हें पैसे भी मिलेंगे यार। मैंने पहले ही सोचा था कि मैं ये ऑपरेशन जरूर करवाऊंगा। रात को सोचा, सुबह होते इरादा बदल दिया, अब बदलेगा नहीं ना? अब नहीं बदलूंगा। सच बोल रहे ना? हां तो चल मेरे साथ। ये आप क्या कर रहे हो साहब, पहले मुझे जाके हल्का धोने दो, लाओ लोटा दो, मैं चला खेत में। उसे फोर्स मत करो, जाने दो इसे। ये क्या तमाशा है,
मैं कोई गुंडा या डकैत हूँ क्या? आप लोग इस तरह मुझे पकड़ रहे हैं? आप अस्पताल क्यों नहीं आए? देखिए साहब जी, मैं आपको सच सच बता देता हूँ, मेरी 3 बेटियाँ हैं। जिस दिन मुझे बेटा पैदा होगा मैं खुद चल के ऑपरेशन करा लूंगा। और बेटा नहीं हुआ तो? अरे कभी न कभी तो होगा ही। तुम इतने बच्चे कैसे पालोगे? अरे बच्चे तो भगवान ही देता है, वही संभालेगा। सुनो भाई, आप लोग मेरी चिंता क्यों करते हो? अरे अर्जेंट में तुम जैसे को ऑपरेशन नहीं करवाया तो इंडिया के लिए बहुत खतरा है, चले मेरे साथ। मेरा हाथ ऑपरेशन ऑपरेशन नहीं कराना है, चलो जाओ यहाँ से। सांबा लगता है अपना ये भी आइडिया फेल है, इसलिए एक काम करते हैं। क्या करते हैं? हम चारों जाकर ऑपरेशन करवा ले तो। यार सांबा, तेरी लव टाइटैनिक तो डूब गई मधुमति, हमारे सारे प्लान फेल हो गए। चलो टीवी देखते हैं। हाय, नमस्ते दोस्तों। इस प्रोग्राम को आप जितने प्यार से देखते हैं उतना ही प्यारा हमारा आज का विषय है। आज का ये एपिसोड हमारे प्रोग्राम का बहुत ही खास एपिसोड है। आज हम कुछ ऐसे लोगों का इंटरव्यू करेंगे जो गांव को सुधारने शहर से गांव गए हैं। ऐसा बढ़िया काम करने वालों का ही आज हम यहां इंटरव्यू करने वाले हैं। आप जरूर जानना चाहते होंगे कि आखिर ये लोग हैं कौन। आइए मैं आपको उनसे मिलवाती हूं। सांबा, टाटा, निर्मल, महेश, इन्होंने वहाँ पर जो भी बदलाव किए हैं उनका हम लाइव टेलीकास्ट करने वाले 15 अगस्त को। ये लोग अपने देश से कितना प्यार करते हैं ये हम आपको उस दिन बताएंगे। मर गया यार। 15 अगस्त को लाइव टेलीकास्ट में क्या दिखाने वाले हैं? अरे सांबा, मधुमति को आप कहीं बस स्टैंड पे जाकर ढूंढ ले। अरे जरा चुप करो ना, जब देखो बकवास करते हो। अरे यार मैंने क्या कह दिया, जो भी देखा है वही कहा है। देखो यार, प्यार मिले ना मिले और चाहे कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़े, लेकिन प्यार में धोखा नहीं दूंगा, उसे सब सच बता देते। बेस्ट आइडिया, ज्यादा दिनों तक हम मधुमति को बेवकूफ नहीं बना सकते। पहली बार तो ने समझदारी की बात की है यार। चला साहब, मेरा आदमी मुझे जीने नहीं दे रहा है, उसका आप कुछ कीजिए साहब। उन्हें यहाँ लेकर आओ, यहाँ इस तरह शिकायत करने से क्या फायदा? मेरे 2 बच्चे हैं, उन्हें ही पालने के लिए मुझे भारी पड़ रहा है, वो हम लोगों को बहुत परेशान कर रहा है साहब। गरीबी से तंग आकर कितने लोग खुदकुशी कर लेते हैं साहब। आपने बंटवारे में मुझे इतनी कम जमीन दी है, इसमें मेरा पेट नहीं पल रहा पिताजी। सुनो, जो तुम्हारे नसीब में है वो मिल रहा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिल सकता, समझे? अरे रुको 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 रुको, उतर जाओ, उतरो सब, उतरो। ए, हमें अपने मकसद में कामयाब होने का अब एक ही रास्ता बचा है। कौन सा? धोखा। नहीं समझे ना, तुम्हारी हमारी नजर में धोखा है लेकिन औरों की नजर में नहीं है। इस तरह हम उन्हें जीने का रास्ता दिखाएंगे। इन गरीबों को कोई भी आकर फंसा कर चला जाता है और ये सुसाइड कर लेते हैं। अरे तुम्ही ने कहा था ना इंसानियत के रास्ते पर चलो, तो इनको इंसानियत का पाठ हम अपने तरीके से पढ़ाएंगे। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो इनकी आंखें खुल जाएंगी और हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। तेरे खोपड़े में अकल है कि नहीं? 2 क्वार्टर खरीद के देते, 2 मिनट में बिक जाएंगे, सुबह पलट जाएंगे। ऐसे लोगों को तू इंसानियत का पाठ पढ़ाएगा? यार प्लीज, एक बार मुझे कोशिश तो करने दो, अब तक तुम लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, एक बार और साथ दो प्लीज प्लीज। चल ठीक है, चलो चलो ट्रैक्टर मोड़ लो। मेरे पास आओ बहन। हाँ बाबा। पिछले कुछ समय से तुम्हारे बच्चे पर बुरी आत्मा की छाया पड़ी है, इसलिए इसकी उल्टी और जुलाब बंद नहीं हो रहे हैं, है ना? जी हाँ बाबा। घबराओ मत, उस दुष्ट शक्ति को मैं इस नींबू में कैद कर लूंगा और उसे खत्म कर दूंगा। आज के बाद वो दुष्ट आत्मा तुम्हारे बच्चे को कोई कष्ट नहीं दे पाएगी। जय भवानी माता चामुंडी, माँ की कृपा दृष्टि है, सारे कष्टों का निवारण हुआ। राम भैया आओ मेरे पास आओ। प्रणाम स्वामी जी, बचा लो स्वामी जी। पैसों का अकाल पड़ा है, बहुत कष्ट से गुजर रहे हो। सच कह रहे हो स्वामी जी। डायलॉग पूरा या तो है ना, कहीं से प्रॉब्लम ना आ जाए। हमारे इस कदम से इन लोगों की अंधविश्वास से आंखें खुलेंगी। बाबा मेरा बच्चा खेलने लगा है, वो ठीक हो गया है। यही इसी वजह से आज हमारा देश औरों से पीछे। तुम लोग मुझे क्या समझ रहे हो? मैं आप लोगों को धोखा दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं ना? लेकिन ये कोई चमत्कार नहीं है, ये है नींबू और इस चाकू को एसिड में डुबाकर इसे काट देते हैं। लीजिए, ये लाल हो गया। तो बच्चे का बुखार कैसे दूर हुआ? ये बबूत खिलाने से, यही ना? लाओ जरा वो दवा दो।
इस दवा का चूरन बनाकर बबूत बनाई और इसे खिला दिया और बच्चे का बुखार दूर हो गया। ये है पैरासिटामल टेबलेट। ये देख लो, मैं कोई साधु संत या चमत्कारी नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। तुम लोग खुद अपनी मौत खरीद रहे हो अंगूठा लगाकर। सोच क्या रहे हो, चंद पैसों के लिए वहाँ जायदाद गिरवी रख के अंगूठा लगा देते हो? तब नहीं सोचते तुम्हारा घर बार खेती बाड़ी सब कुछ थोड़े से पैसों के बदले में गिरवी रख देते हो? बस दो बोतल दारू के लिए किसी भी कागज पर साइन कर देते हो। तुम्हें अपनी ताकत का अंदाजा नहीं। एक दिन के लिए तुम लोग एक होकर दिखाओ, पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकते हो। और जानते नहीं हो, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी तुम्ही लोगों में से, तुम्हारी तरह वो भी मजदूरी करते हैं। भारत तो किसानों का देश है मिस्टर इंडिया, आपको बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो फिर बताइए हमें क्या करना होगा? हमारे मुंह से नेवाला छीलने वाला है वो पटेल। आप बताइए, आप जो बताएंगे हम वही करेंगे। जंग की शुरुआत उसी से करेंगे। चलिए मेरे साथ। चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई। हमें हमारे सवाल का जवाब चाहिए। पूरी बारात आई है, न्योता दिया था क्या? पटेल जी, हाँ, आपने जिस कागजात पे हमसे अंगूठा लिया है हमें वो जानना है। क्यों भी तू दूसरों का हिस्सा जानने चला है? लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। चल निकल यहाँ से। क्या सोचते हैं पटेल, सच्चाई हम नहीं जान सकते क्या? हाँ हाँ, सच्चाई जाननी है तो जो लिया है वो सूद समेत लौटा दो। पहले हमने गिरवी रखी तो जमीन तुम्हारी हो गई क्या? आवाज ज्यादा उठा रहा है तू, जबान काट के गले में लपेट दूंगा। हे पटेल, सच्चाई हम जान के रहेंगे। क्यों बे, दिमाग खराब हो गया है क्या? पटेल साहब से ऊंची आवाज में बात करता है। हे मुच्छड़, अपनी औकात पर है, वरना जबान हम भी काट सकते हैं। तेरी इतनी हिम्मत हो गई, मेरी चौखट पर आकर धमका रहे? ए पहलवान, एक एक को मार के यहाँ से निकालो। तुम लोग पांच हो, ये 500 लोग हैं, चींटी की तरह मसल दिए जाओगे। इन्हें चैलेंज करने की गलती मत करना, ये लोग एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक हैं। आगे बढ़ने से पहले सोच लो। पटेल जी, खतरे की घंटी बज गई, चुपचाप इनकी बात मान लीजिए। पेपर ला। ये वही कागज है जिस पर अंगूठा लगाने के कारण नारायण को आत्महत्या करनी पड़ी। विजय नारायण चौरसिया के सुपुत्र चंद्र नारायण चौरसिया को मैं, यानी पटेल, 10% ब्याज पर 10,000 रुपए उधार दे रहा हूँ। साहब, ये क्या बोल रहे हैं आप? और इस 10,000 रुपए के बदले में मैं अपनी 5 एकड़ जमीन के कागजात इनके पास गिरवी रख रहा हूँ। देख लिया ना, हम लोगों से झूठ बोलकर कागज पर अंगूठा लगवाकर हमारी जमीन हड़प ली बदमाश कहीं का। हमारी उपजाऊ जमीन को छीन लिया इस पटेल ने। मेरे पति ने इसी की वजह से खुदकुशी की है। ये कभी खुश नहीं रहेगा, बर्बाद हो जाएगा, तड़प तड़प के मरेगा, इसका सत्यानाश हो जाएगा, ये कुत्ते की मौत मरेगा। या तो इज्जत से हमारे कागजात लौटा दे, वरना हाथ पैर तोड़कर हम खुद ले लेंगे। अरे, तुम लोगों का हर मुसीबत में साथ देता रहा, मैंने हमेशा तुम्हारे आंसू पोंछे, और आज तुम लोग सब मिलके मुझे रुला रहे हो। ऐसा कौन सा बड़ा पाप किया मैंने? काका, 1 रुपए के ब्याज से मैंने तुम्हें पैसे दिए थे ना? हाँ काका, बताओ। अरे, तुम लोग मेरे अपने हो, मेरे जिगर के टुकड़े हो, मेरे कलेजे के टुकड़े हो। चलो, ब्याज को मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन मेरा असल तो मुझे लौटा दो कम से कम। और जो तूने ब्याज लिया उसका क्या? गरीबों का कर्जा माफ हो जाएगा, ये अपने हाथ से लिखे देते पटेल। मुझे एक्टिंग करना नहीं आता, मेरी आंखों में देखो खून बह रहा है, ये सब मेरी अच्छाई का नतीजा है। तू ब्याज पे ब्याज लगाकर इन लोगों का खून चूसता रहा है, क्या देख रहे हो? ले लो इसे। रुक जाओ, सारे कागजात यहाँ लाओ, लाओ दो। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या? ले लो। अब जैसा कहता हूँ वैसा कर, वरना कागजात यहीं रहेंगे और तू दुनिया से चला जाएगा। अरे क्या सोच रहा है पटेल साहब, हार दीजिए, हार दीजिए। इसकी वजह से आप गरीबों का खून चूसते थे ना, या लीजिए। Thank you.
रुक जाइए रुक जाइए, बस 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 कीजिए, प्लीज रुक जाइए। साहब आपने हम लोगों की बहुत बड़ी मदद की है, आप तो हमारे लिए भगवान हैं। अरे 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 अरे, मैं आपसे बहुत छोटा हूँ, छोटे लोगों के पैर नहीं छुए जाते, अब अपने पैरों पर खड़े होना सीखिए। कल तक आप लोग इनसे डरा करते थे, आज आप लोग एक साथ हो गए तो आप लोगों ने हुकूमत हिला दी। अगर सब मिलजुल कर रहोगे तो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान आप लोग कर सकते हो। कल तक हम लोग बिखरे हुए थे लेकिन आज हम सब लोग एक हो गए हैं। ग्रेट, अब हम फक्र से कह सकते हैं कि एक आजाद देश है। हर गांव आज भारत का एक अभिन्न अंग लग रहा है और हर गांव मॉडर्न हो चुका है। हिम्मत से काम लो तो क्या नहीं होता, ये जिसने भी किया बहुत अच्छा किया। करेक्ट सर। मैं चाहता हूँ कि आप इसी तरह से इन गांव का विकास दिन ब दिन करते रहें। करूंगा सर। अच्छा काम शुरू है तो रुकना नहीं चाहिए। इन विलेजेस के डेवलपमेंट के लिए मैं फौरन 10 करोड़ रुपए रिलीज करवाता हूँ। हेलो। हाय सांबा। हाय मधु। इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। मैं तुम्हें हमेशा गलत ही समझती आई हूँ, तुम इस काम को इस तरह से करोगे मैंने कभी सोचा नहीं था। I'm so lucky, मुझे तुमसे। हाँ, मुझसे क्या? तुमसे I mean मेरे जीवन में ओह गॉड। हाँ हाँ बोलो बोलो। प्लीज बताओ ना। अच्छा मैं बताऊं क्या? हाँ संभव बोलो ना। मधु तुमसे मिलने को दिल कर रहा है। एक बार नहीं बल्कि बार बार मिलने को दिल कर रहा है। मुझे भी, इसलिए मैं तुम्हें बार बार फोन करके डिस्टर्ब करती रहती हूँ। तुम्हारे अच्छे काम का लाइव टेलीकास्ट करने जा रही हूँ। ये 15 अगस्त हमारी जिंदगी का यादगार दिन होगा। सांबा मैं कितनी खुशी मैं नहीं बता सकती, जब भी ये सब सोचती हूँ पागल हो जाती हूँ। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच मधु। पता है इस वक्त मेरे दिल में क्या चल रहा है? पता है, इसलिए मैं 15 अगस्त को तुम्हें एक सरप्राइज न्यूज देने वाली हूँ। क्या होगा गेस करो। तुम जो भी करोगी अच्छा ही करोगी। तुम्हारे बगैर मेरा वो काम अधूरा होगा। आज रात को होम मिनिस्टर उसी गांव को रवाना होगा, कल उसका प्रोग्राम वहीं पर है। ओवर। हुकुम, लेकिन मैं तो हैदराबाद को उड़ाने का पूरा इंतजाम कर चुका हूँ। ओवर। और कोई रास्ता नहीं, हमें होम मिनिस्टर को उड़ाना है तो उसी गांव में उड़ाना होगा। ओवर। खैर आप बेफिक्र रहिएगा हुकुम, आज की रात पूरा इंतजाम हो जाएगा। उस गीदड़ की मौत उसे इस गांव की तरफ ला रही है। कल ना ये काम होगा और ना ही होम मिनिस्टर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आज राजा भोज की हालत भी गंगू तेली जैसी हो गई है, गली के कुत्ते भी उस पर भौंकने लगे, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। क्या करे मेरा नसीब। अब क्या करे पटेल जी, हम तो आपसे पहले ही कहते कि पैसों के पीछे मत भागिए, लेकिन आप तो सुने नहीं। कभी कोई काम पैसे के बगैर होता है? नहीं होता। तो पैसे के पीछे भाग कर मैंने क्या गलत किया? चल गिरा लेना है। भाइयों हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा बदल गया है, अब हमारा निशाना हैदराबाद नहीं ये गांव होगा, क्योंकि यहां की सरकार इस गांव को एशिया का मॉडर्न विलेज समझती है। इसीलिए ये और भी जरूरी है कि इस गांव को उड़ा दिया जाए। बात समझ में आई? बात समझ में आई तुम्हें?
अब इस गांव में होम मिनिस्टर आ रहा है और हमें उसे मारना है। इस गांव को पूरी तरह से मिट्टी में मिलाना है। कौन है उधर? क्या कर रहा है वहां? कौन है वहां? क्या चाहिए इसको? किराए के लिए आया है भाई। पैसा दो और भगाओ। जी अच्छा, जाओ पटेल। जा रे, अरे जा, बोला ना। ए पटेल इधर आ। क्या चाहिए तुझे? हाँ? मैं मानता हूँ मैं पैसों का बहुत लालची हूँ। पैसे के लिए मैं अपनी माँ को नहीं बेचूंगा। मैं इस मिट्टी का बना हूँ। मैं इस मिट्टी के लिए जीऊंगा, इस मिट्टी के लिए ही मरूंगा। ये ले। हमारे टुकड़ों पर पलने वाले, मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा। मैं अपने गांव को बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं छोड़ो, मुझे दे लूंगा। छोड़ो, दबा दूंगा तेरा। मैं तुम्हारा मारा छोड़ दूंगा। आप ये उस पे ये दबा दूंगा तेरा। उठ जा यहां से। भाग, चल इसे, भागो, चल भाग यार, चल भाग। साथी, साथी मारिए। चल, ऐसे लेके भी ज्यादा होशियारी करता है। चल आराम सादे, मुंह खोला तो गोली से उड़ा दूंगा तुझे। हिल मत यहाँ से, बैठ जा, बैठा रहे। ए, तुम लोग क्या कर रहे हो? अपना काम करो, बक बक काम है। चलो काम करो। चलो चलो चलो। जगह कैसे सेव कर सकते हैं? अरे प्लीज चलना यार, साथ में चलना। हम लोग कोशिश करेंगे, हमारे खातिर चल, जो बन पड़ा वो करेंगे। हाँ यार, एक बार फिर सोच लो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। हाँ, लेट्स मूव। चलना यार, चल चल, चलो ना।
ए, लक्ष्मण पटेल के ब्रिज पर बम लगे हुए हैं। हाँ, ए, ए, आवाज आ रही है। चलो चलो चलो, अरे चलो। ए, रुक 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 रुक, लाइट बंद कर, रुक जा, लाइट बंद कर। हाँ, अरे कोई सामने दिख रहा है। हाँ? ए, घुमा, अरे घुमा ना। संभल के, संभल के। अरे, अल्लाह क्या हुआ? जल्दी करो यार। अरे, ए देख, कौन है? दबाना एक्सीलेटर, चल चल। कौन है रे वहाँ? संभल, क्या कर रहा है? अरे क्या कर रहा है? जल्दी, अरे जोर से उठा। अरे संभल, अटक गया। चलो देखते हैं कौन है, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? निकल रही है। अरे कैसा चलाता है? अरे साहब, नहीं हो पा रहा है मुझसे। अरे आप जाइए, अरे जल्दी करना, चले जाइए यहाँ से, मुझसे नहीं होगा, निकल जाइए। उतरो, चलो जल्दी करो, चलो 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 जल्दी, आजा, चलो चलो। संभाल के, संभाल के। अरे अरे देख के, हो गया तुझे सांबा, चलना। ए गांव यार, पागल हो गया तू? बम का धमाका क्या होता है तू जानता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम यहाँ किसके आए थे? अरे बोलना बोलना, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ तेरे, चल यहाँ से। अरे चलना, अरे जल्दी। तुम लोग मेरा साथ देने के लिए आए थे ना? मैंने कभी तुम्हें रोकने की कोशिश की? आज गाँव पर मुसीबत आई है तो तुम लोग मुझे क्यों रोक रहे हो? मैं नहीं रुकूंगा। क्या बोल रहा है? मेरी जान भी चली जाए तो मैं नहीं रुकूंगा। अरे पागल है क्या तू? अरे सांबा सुन, हम निहत्थे हैं, उनके पास हथियार है, हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, समझ रहे तू? अरे अकलमंदी इसी में है कि हम लोग यहाँ से भाग निकल जाए। चल सांबा, इसी नहीं मानेगा। सांबा सुन यार, मेरी बात सुन। अरे मैं समझ रहा हूँ। अरे क्यों चुप? यहाँ नहीं लड़ सकते। चल चल सांबा, सांबा। महेश, महेश, ए महेश, 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 क्या हो गया? महेश, मशीन गन, इसे ऐसे पकड़ कर सिर्फ ट्रिगर दबाना है, ओके? चलो चलो, कम ऑन कम ऑन। ये आवाजें क्या सुन रहा हूँ? ओवर। हुजूर, यहाँ से खैरियत से आप मेरी बात मानिए, आप वो गांव में जो थोड़ी बहुत झड़प होती है ना, बस वही है वो, ओवर एंड आउट। क्या हो रहा है ये? कैसी आवाजें हैं ये सब? भाई क्या है? वो लोग हमारे लोगों को मार रहे हैं। कौन है वो लोग? पता नहीं, पुलिस वाले हैं कि कौन है। हमारे बहुत सारे लोग मर चुके हैं भाई, हमारा सारा माल भी खतरे में है। ठीक है, मैं उन लोगों से निपट लूंगा। सुनो, बम सारी जगह लगा देना, पुल के नीचे। हाँ लगा दी। स्कूल में, समझ गए, पंचायत राज ऑफिस में। ठीक है भाई, सब जगह। हाँ हाँ, रिमोट का रिमोट लाओ इधर, ले लीजिए। और सुनो, मामले को और ज्यादा मत बढ़ा, होम मिनिस्टर को उड़ाने का इंतजाम मैंने कर दिया है, समझे? हाँ ठीक है भाई। तुम लोग बम्बई जाने की तैयारी करो, मैंने तुम्हारा बंदोबस्त कर दिया, तब जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। माय गॉड, अरे निर्मल ये क्या हो रहा है यार? सुनो, बॉम्ब जहाँ भी होगा वहाँ टिक टिक की आवाज आएगी। अब हमारा काम गांव के हर गली कूचे में उसे तलाशना है, समझ गए? हमें हर हाल में गांव को बचाना है, जान की बाजी लगा देंगे। चलो सांबा, तू अपना ख्याल रखना, मुझे कुछ नहीं होगा। जाओ तुम लोग, जाओ। तुझे
सब बम डिफ्यूज कर दिया। तेरा लव सक्सेस है। हमेशा अल्फाज बनकर तुम्हारी जुबान पर जिंदा रहूंगा। जब भी मेरी याद आए मेरे अल्फाजों को दोहरा लेना। मुझे जीने के लिए एक मकसद मिल गया था, वही मकसद आज मैं तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूं। जब भी मेरी याद आएगी मैं जानता हूं तुम्हें बहुत दुख होगा, लेकिन तुम ही मेरा प्यार हो मधुमती। अपना जीवन मानकर मैं तुम्हें साथ लिए जा रहा हूं। मैं हमेशा साया बनकर तुम्हारे साथ चलता रहूंगा। जब भी मेरी आवाज आए एक बार मुड़के मुझे जरूर देख लेना। देखोगी ना, देखोगी ना, देखोगी ना। हम जहां से चले